नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर 3 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवर 3 में 6.81 इंच जबकि नोट 12 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवर 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवर 3 में 3.09 इंच जबकि नोट 12 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवर 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवर 3 में 0.37 इंच जबकि नोट 12 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवर 3 में 230 ग्राम जबकि नोट 12 में 184.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो पोवर 3 में IPS LCD जबकि नोट 12 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवर 3 में 6.9 इंचेस जबकि नोट 12 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवर 3 में 1080x2460 और नोट 12 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवर 3 में 83.43% जबकि नोट 12 में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवर 3 में 389 पिक्सल प्रति इंच जबकि नोट 12 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवर 3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नोट 12 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवर 3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नोट 12 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali G52 MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी पोवर 3 में 7000mAh जबकि नोट 12 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,390 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 12 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो पोवर 3 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 आगे है,
मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।